नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 जून 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जैतपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। जी दोस्तों, जो भी रेट बताएंगे 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला। माल देखो, टमाटर देखो जी, क्या शानदार और फुल भर्ती जी। वैसे सब्जियों में तो तेजी आई जी, टमाटर में भी तेजी आएगी एक आधे दिन में। चले जानते हैं आज के वैसे क्या बाजार चले। आई लव यू टमाटर बेचने वाले संतोष भाई साहब जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार साहब। संतोष भाई साहब जी, कब तक उधार होएगा टमाटर का जी? भाई जी, टमाटर इतनी गर्मी पड़ रही है, खेत लोगों व्यापारी किसानों का लाल हो चुके हैं। अच्छा जी, बिल्कुल लाल होने की वजह से हाथ में लगाइए, देखो लू जो चुका टमाटर। ओ, गुलगुले बन गए जी। गुलगुले बन गए, लू ने खराब कर दिया। लू ने खराब कर दिया। अच्छा जी, किसान थोड़ी मेहनत करके, हाँ जी, परिश्रम करके जो टमाटर डेली तोड़ेंगे, करारापन, उनका माल इज्जत से बिकता रहेगा। अच्छा जी, जैसे माल 150 का बिक रहा है, वो करारा रहेगा तो 200 का बिकेगा। अच्छा, और हंस के बिकेगा। जो ग्राहक भी ले जाएगा उसका टिकाऊ माल लेगा, नहीं तो ये तो ले जाते हैं घर तक सड़ जाएगा सर, 4 घंटे में, इतनी गर्मी पड़ रही। जिसने रोक लिया उसका माल खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, चाहे कितना बंदा बिके, टमाटर रोज तोड़ो किसान भाइयों को, ये निवेदन है किसान भाइयों को। अच्छा जी, करारापन भेजे, टमाटर 150-200 का बाजार है। अच्छा जी, इससे आइए टमाटर। सब्जियों का बाजार तो तेज हुआ है जी आज, सब्जियां कम सर सुधार हो गया होगा, ये भी टमाटर जी काफी आ रहा है। अच्छा जी, हाँ, कहाँ वाला है जी? है ये जी लाडवे का है जी। लाडवे का, क्या शानदार माल जी। और जो बढ़िया तार बांस के अच्छे माल है जी, है तार बांस नहीं, जमीन का टमाटर जी, ये जमीन तार बांस को फैल कर रखा है जी, सफाई है जी माल। हाँ जी, जो तार बांस का टमाटर हो जी, अच्छे वाला टॉप क्लास ही में सोना तार बांस का जी, हाई टमाटर 250 रुपए बस, इस तो ऊपर नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि तार बांस अभी थोड़ी चमक होती है, फेमस होता है, पत्थर होता है टमाटर। अच्छा जी, दोनों चीज मिलती है जी। किसान भाइयों से यही निवेदन है, टमाटर जितना कच्चापन करारेपन तोड़ेंगे उनको 2 पैसे फायदा होगा। अच्छा जी, और खेत को लाल ना करें, उस पर जो मंडी आकर जरूर 2 पैसे उनको बच के जाएगा, लेकिन खेत में लाल होगा तो खराब हो जाएगा। ठीक है जी, उससे उनका नुकसान होगा। और रेट भी तो होना चाहिए ना जी, 150 ये तो सबके साथ है, कोई एक आदमी के साथ तो है नहीं जी। अब समझ लो कि आप 150 रुपए क्या 100 रुपए बिक रहा है, 150 छोड़ो 100 रुपए भी टमाटर भरवा लो आप। अच्छा जी, हाँ जी, जी इतनी मंडी की हालात खराब है कि कुछ पूछो मत। और शाम के समय भी आ रहा जी वो टमाटर? हाँ, शाम तक आता, पूरे दिन आता टमाटर। अच्छा जी, ये समझ लो इस वक्त टमाटर 24 घंटे आता है। अच्छा जी, आजादपुर मंडी में 24 घंटे टमाटर आता है इस टाइम। बुरी हालत हो गई जी, वो माइक दे दो जी, मेरा नहीं दिल कर रहा जी, मैं तो चल रहा जी आपको यहाँ से, चले जी बस ना जी, स्वाद नहीं है जी वीडियो में, क्या बेचेगा कोई 150 रुपए में, क्या कोई करेगा इसका। इधर भी जाए जी इस मोहल्ले में जी, भाई साहब से भी 2 शब्द पूछ के आ जाए जी। नमस्कार भाई साहब जी, क्या बैठा जी, बैठने का तो मन ही नहीं कर रहा जी। हाँ, गर्मी में हालात बुरे कर रखे हैं, और कुछ टमाटर की गर्मी भी ज्यादा हो गई है। टमाटर के रेट है ना जी? हाँ जी, ये भी आप ही के कुर्सियों के नीचे बैठे रहा जी, फौज है जी हमारी, आपकी दोनों की ये फौज है ये। अच्छा, ये आपको देखते ही जागृत हो चुका है, देखो किराना साहब इसके लिए कुछ ना कुछ लाए होंगे। तो कब तक उम्मीद है जी टमाटर की? देखिए मौसम जो है गर्म होता जा रहा है, गर्म आपको देख रहा है, डेली गर्म हो रहा है, कुछ एक आधी बारिश पड़ जाएगी ना, जिसके कारण जो पुराने टमाटर खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद रेट बढ़ने की संभावना हो जाती है। हर साल क्या होता है गर्मियों में, जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो एक बार मौसम चेंज होने के बाद एक आधी बारिश पड़ जाती है बीच में, तो उससे क्या होता है जो पुराने टमाटर लाल टमाटर बेकार हो चुके, तो वो किसान खेतों में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि रेट होता नहीं है, उसको तोड़ने का उसको बेनिफिट मिलता नहीं। अब जो है वो टमाटर अभी वो भी आ रहे हैं, कुछ लोकल भी आ रहा है, कुछ झिरका भी आ रहा है, थोड़े थोड़े सब पुराने टमाटर आ रहे हैं। फिरोजपुर झिरका आपकी बार जून में भी आ रहा जी है? बस ये समझो आज आखिरी उड़ान हुआ है इसका, अभी खत्म हो चुका है, आज आखिरी दिन खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ये तो हमको मार आखिरी कर दिया जिसने, इसका आखिरी हो ना। और अब ये पिछले साल रेट अच्छा था, और अब की बार इन्होंने हाईब्रिड विरांग लगाया था, जो पिछेता बहुत लंबा चला है, लोकल के साथ साथ पूरे लोकल के अंदर चला है, और माल भी अच्छा रहा है। अच्छा जी, तो ये जो है बना अब खत्म हुआ है जाकर के। तो आज के क्या रेट रहे फिरोजपुर झिरका वगैरह जी है? फिरोजपुर झिरके के जो वो हाईब्रिड है वो तो आज 100 रुपए से लेकर 150 रुपए बिका है। अच्छा, क्योंकि आखिरी चलान था, आखिरी तोड़ान था, वो खत्म हो चुका है, हल्के भारी माल थे, 100 से 150 रुपए एक चलान आया था, वो खत्म हो गया, वो बिक गया। और ये यूपी वाले आ रहे हैं? आज अपने पास यूपी का अमरोहे का टमाटर आया हुआ था, ये अमरोहे की क्वालिटी है, आपको एक बार खड़े हुए दिखाऊं। अच्छा जी, ये थोड़ी सी हल्की क्वालिटी, ये देखिए, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये नजर आपको अच्छा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा
जो 19 है फिर भी एक गाड़ी थोड़ी फिल है, थोड़ा थोड़ी सी क्वालिटी हल्की में है, पानी की कसर है। हाँ, ये टमाटर जो अभी आज बिका है 150 से लेके 200 रुपए तक अमरोहे वाला, अच्छा जो दिन में बिका है। अच्छा, एक रात को क्वालिटी आई थी वो बिका 200 से लेके 250 रुपए। अच्छा, एक ब्रांड जो स्पेशल आया था वो 300 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, मतलब जो माल की क्वालिटी है, जैसे हमने रात वाले किसान को बताया था कि टमाटर आपका 100-150 रुपए बिकेगा, उनने फिर भी माल डाला लेकिन उसका टमाटर रात को 250 रुपए का बिका है। क्वालिटी अच्छी थी, तो क्वालिटी का रेट है, जो क्वालिटी अच्छी बना सकते हैं उनके पैसे ज्यादा बन रहे हैं, जो क्वालिटी हल्की बना लाडवे वाले भाई साहब जी, लाडवे में भी यही पोजिशन है, जो हाइब्रिड टमाटर बढ़िया है वो 250 रुपए रात को बिके और जो दिन में बिक रहे 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक। अच्छा, रात को 200 से 250 रुपए तक। और जो ये हिमसोना वगैरह, हिमसोना की भी पोजीशन जो है रात को तार बास वाली बिकी है अपने पास 250 रुपए से लेके 300 रुपए तक, जो दिन में टमाटर बिक रहे हैं हिमसोना वाले 100 रुपए से लेके 180 रुपए तक। अच्छा जी, यानी कुल मिला के बस इसी के इर्द गिर्द बाजार घूम रहा है, कुल मिला के किसानों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। 50-60 रुपए किराया है, किराए के अंदर जो 60 रुपए किराए में निकल रहे, 10-20 रुपए मजदूरी में निकल रहे, 10-20 रुपए खर्चा पड़ रहा है, तो ये समझिए किसान का 150 रुपये का टमाटर पड़ रहा है तो उसके कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है। मतलब ये समझिए कि पानी भरने वाली बात है, खेतों में टमाटर लगा रखे, खेतों में फेंक नहीं सकते, उड़ान कर रहे हैं और मंडियों में लेके आ रहे हैं, तो हालात ये बने हुए हैं। चलिए जी, धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी, आएगा जी 2-4 दिन में उम्मीद है जी, रेट जरूर आएगा, पर जब रेट आएगा तो ये अपनी एक छाप छोड़ के जाएगा, महाभयंकर रेट आएगा, याद कर लेना मेरी बात को, जब रेट आएगा तो महाभयंकर रेट आएगा और इसी सप्ताह में आएगा। भाई साहब, ये अमरोहा वाले आए जी, ये भी जो है टमाटर लेके आए यहाँ पर, ये कह रहे भी हम भी अपने हाल चाल सुनाएंगे, हमारे खेतों के क्या हाल चाल है और परेशान है। राणा साहब, हम बैठे हुए थे आपस में, तो भाई साहब बैठे हुए थे, कह रहे थे कि यार राणा साहब से मुलाकात करवाओ, सब कुछ करवाओ, तो मैंने कोई बात नहीं, आते हुए आपसे बात कराता हूँ। ये हमारे, क्या नाम है जी आपका? इरफान खान। इरफान खान हमारे भाई जी आए हैं अमरोहा से। अमरोहा से तो टमाटर लगा रखा जी आपने? टमाटर लगा रखा है। तार बांस पे आगे बिना तार बांस के जी? तार बांस का सर। तार बांस पे ही है जी सारा जी। तो फसल कैसी है जी आपकी? बार फसल बहुत अच्छी है सर, लेकिन रेट नहीं है सर। रेट कहाँ जी, रेट तो रेट ही का तो चक्कर, मसला ही सारा पैसा का है जी। जी सर, रेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, और गर्मी कितनी चल रही जी वहाँ? टेम्परेचर जा रहा 45-46 के आसपास। 45-46 जी सर। तो चल जाए, अभी टिका रहेगा माल? तो माल अभी टिकेगा एक महीना। एक महीना टिका रहेगा। आपके इधर तो शायद बरसातें भी नहीं है, तो मानसून थोड़ा लेट पहुंचती है इधर की तरफ? 15 तारीख के आसपास मानसून हमारे यहाँ पे आ रहा था, 1 तारीख को इंडिया में दस्तक दे देता, 15 दिन बाद जो है हमारे पास यहाँ पे मानसून आ जाता है। अच्छा जी, थोड़ा सा गर्मी के कारण ना इनका रोहे का टमाटर जाता है कलकत्ता की तरफ। अच्छा जी, वहाँ तक ये माल पहुँच नहीं पा रहा ज्यादा गर्मी के। अच्छा, कलकत्ता की तरफ माल नहीं पहुँच पा रहा जी? लोडिंग हो रही है, वैसे हो रही है, उसी स्तर पर नहीं हो रही जैसे होती थी और सारा। अच्छा जी, अच्छा सर, उस स्तर पर नहीं हो पा रहा। आएगा जी इसी हफ्ते में रेट आएगा जी, वो रेट आएगा, अपनी छाप छोड़ के जाएगा, जितना है रुला रहा ना वो, जिसके पास गोलियां भी होगी ना वो भी छलांग मारेगा। किसान को ज्यादा कुछ फायदा होगा? आएगा रेट, आएगा, सब्र रखो, आएगा। धन्यवाद राणा जी। धन्यवाद जी।